बहुजन समाज के लिए मायावती जैसी नेता होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अगर केवल मूर्तियां बनाने का भी आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की तुलना कर ली जाए तो समझ आ जाएगा मायावती होना मुश्किल है। लखनऊ की पार्क 100 करोड़ अधिकारियां और एक नया पैसा विदेश नहीं गया, देश की संसाधनों से देश की प्रतिभाओं ने कारनामा कर दिखाया। 2007 में जब मायावती ने यूपी में सत्ता संभाली तो पिछला बजट 80,000 करोड़ का था और जब 2012 में मायावती जी ने सत्ता छोड़ी तो 2,00,000 करोड़ से ऊपर था। मायावती द्वारा पेश आखिरी बजट में राजकोषीय घाटा 2.8 था और उसी वर्ष भारत का राजकोषीय घाटा 5.2% था, इसलिए आर्थिक नीतियों के मामले में भी मायावती होना मुश्किल है। मायावती जी का शासन कानून का शासन होता है। मायावती जी के शासन में गुंडे चोर ये सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं या फिर कहीं देश विदेश की यात्राओं पर चले जाते हैं। मायावती का शासन आते ही किसी कानून की जरूरत नहीं होती है, सब अपने आप सिस्टमैटिकली चलने लग जाता है। मायावती ने अपने शासन काल में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून से तुरंत गिरफ्तार का प्रावधान हटवा दिया था, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। लखनऊ चमकाया, नोएडा चमकाया, एक्सप्रेसवे दिया, फार्मूला 1 टैग दिया, किसानों को उनकी मर्जी का मुआवजा दिया, बिजली उत्पादन 5 साल में 35,000 मेगावाट से 8,000 मेगावाट पहुंचा दिया, इसलिए मायावती बनना मुश्किल है क्योंकि इस तरीके के नेता देश में नहीं होते हैं। मायावती ने अपने शासन काल में 7 मेडिकल कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 100 से अधिक डिग्री कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, कभी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा जाकर देखिए, इसलिए मायावती बनना मुश्किल है। जनता की सुविधा के लिए 27 नए जिलों का गठन किया तो 27 नए जिला अस्पताल, 27 नए जिला एवं सत्र न्यायालय और 27 नए जिलाधिकारी कार्यालय, 27 नए विकास भवन भी बनवाए गए, 45 नई तहसील और 40 विकास खंड बने जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला, उनको छत मिली, किसानों को उनकी आय गन्ना भुगतान, ये सब चीजें समय पर होती रही क्योंकि मायावती जैसा नेता देश में और बहुजन समाज को मिलना दोबारा बहुत मुश्किल है। मायावती के समय में ठेकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई टेंडरिंग बुरी शुरू की गई। मायावती ने शासन में पूरी किसी भी भर्ती पे पक्षपात या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और न ही कोई भर्ती कोर्ट में चैलेंज की गई, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। मायावती जी ने अपने 1995 की सरकार में अपने मात्र 4 महीने के शासन काल में 7,00,000 एकड़ खेती की जमीनें पट्टे भूमिहीनों को दिए, उसके बाद हर शासन में ये आंकड़ा और बढ़ा, इसलिए आयरन लेडी मायावती जी जैसा जिनको खिताब मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है। देश विदेश के लोग भी जानते हैं और मानते हैं कि बहुजन समाज की जो आयरन लेडी हैं वो नेता ऐसी हैं कि उनके आने से ही देश में परिवर्तन बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।